अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हाँ तुहाडा मेज़बान एम सलीम ते तुसी देख रहे हो प्रोग्राम गुलदस्ता। अज दा मौजू है आराम रिजक। प्यारे पाकिस्तानियों, असी इस कदर जालम हाँ, असी इस कदर जालम जाहिल और बेवकूफ हाँ। अच्छा, असी अपने मुआशरे विच रह के, मुसलमान मुआशरे विच रह के, ते असी कई लोग जेड़े आ इन्होंने कसम चुकी है कि लाल दी रोटी नहीं खानी है। कोई भी हो, कुछ भी हो जाए, असी ना रिजक राम दे लिया अपने घर, ते राम दी रोटी खानी है। हुण तुसी देखो इस खौफनाक कड़ी विच, इस अफरा तफरी की कड़ी विच, जिदे विच लोग भुखे मार रहे, इस वक्त विच अगर गौरमेंट ने 12-12 हज़ार रुपया गरीबां नूं दित्ता है कि ऐ लो तुसी अपना चुल्हा जिहड़ा ना इहदे च अग बालो ते अपना गुजारा करो। अच्छा, 12 हज़ार रुपया इस जमाने विच कुछ भी नहीं, बेबाह महंगाई है, लेकिन गरीब आदमी वास्ते मैं समझना भी बहुत है। ये भी बड़ा ही आसर है, ये भी हुकूमत की बड़ी मेहरबानी है कि साड़ी कमज़ोर गरीब ते माड़ा मुल्क है तो उन्हें भी गरीबों वास्ते इतना भी किया ना, ये भी बड़ा है। अच्छा, असी किस कदर जालम, किस कदर असी, मेरा मतलब है भी सख्त दिल हाँ कि असी वो 12 हज़ार रुपया जेड़ा तकसीम करने के मरहले त जेड़ा लोग लैन आए ने तो उन्होंने वो 12 हज़ार रुपया भी देन लग्या भी उदे विचों 500 कट रहे हैं, 1000 कट रहे हैं जी। अच्छा, जेड़े असी लोग बैठे हाँ, साड़ी जिम्मेदारी दी थी कि तुसी अगर दियो जी लोगों। अच्छा, असी उन्होंने किसी नूं आने तू 11 हज़ार लै लै, किसी नूं आने तू 11.5 हज़ार लै लै, किसी नूं आने तू 10.5 हज़ार लै लै, जिन्ने ते कोई मन जे या जितने ते 10 लग जे। अच्छा, असी वो पैसे भी उन्हां गरीबां नूं पूरे नहीं दे रहे। अच्छा, जेड़े बंदे ये काम कर रहे हैं 500 हज़ार कट रहे हैं या कट्टन की कोशिश कर रहे हैं या जिन्हां दे ज़हन च है भी इस तरह असी पैसे विचों हासिल कर लीए, तुसी अंदाज़ा लाओ कि वह किन्ने ज़ालम लोग, वो किस कदर अपने आप ना जुलम कर रहे, वो अपने बच्चों ना जुलम कर रहे। ये बिल्कुल इस तरह ही है जिस तरह अपने दूजे भरा का गोशत जिसम नालू ला के खाने। अच्छा, वो ये रोजी वो घर लै के जा अपने बच्चों वास्ते, राम दी रोजी, राम दे पैसे जेड़े उन्हां दा हक नहीं सी तो उन्होंने हासिल कर ले। अच्छा, इन्हां पैसों नाल वो जो कुछ भी खरीदन दे, जो कुछ भी रिजक खाण दे राम दा, अच्छा राम दा रिजक खा के ते बच्चे लाल दे किस तरह हो सकते, तुसी उन्हां तों लाल दियां लई तवक्को किस तरह कर सकते। अगर अपनी औलाद नूं तुसां आराम खवालना तो उहदे कोल तुसी लाल दियां लई तवक्को तां कर ही नहीं सकते कि बच्चे मैं लाल दे होण, बच्चे गुस्ताख ना होण, बच्चे चोर चक्के ना होण, बच्चे डाकू ना होण, अच्छा बच्चे रामी ना होण, कती तौर ते नहीं हो सकता। इह अल्लाह दा कानून ही नहीं, जिसने बच्चों नूं आराम खवालना उसकी औलाद आराम दी निकले। अच्छा, असी कई तरीकों का फ्राड करने, कई बंदे जड़े ने बदकिस्मत लोग, जालम लोग। अच्छा, उन्होंने कोई सोच ही नहीं कि असी हरकत कर लगे, ये असी कि रिजक इकट्ठा कर वधा ले। अच्छा, जेडे रिश्वत लेंदे ने गरीबों को, अच्छा जेडे बेईमानी करते ने खाण पीन दीआं चीज़ां च बेईमानी करते ने, अच्छा मिलावट करते हैं, मिलावट करते हैं चीज़ का वजन वधाने वास्ते मिलावट करते, अच्छा गलत चीज़ को सही करके बेचते, ये इस कदर जालम लोग ने, ये इस कदर जालम लोग ने कि ये सब मतलब है इन्हों दी औलादा इन्हों कदे इन्हों औलाद को खैर की तवक्को नहीं को कर सकता, इन्हों को कदे को खैर की तवक्को, और इन्हों ना अल्लाह पाक मुख्तलिफ मुसीबतों में घेर ही रखता है। दुनिया ते ही बिल्कुल है, दुनिया ते साफ दे के जाने जालम।
ਅੱਛਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸਮ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਲਾਲ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਡਟੀ ਲੱਤ ਭੱਜ ਗਈ ਆ ਜੇ, ਅੱਛਾ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਫਲ 'ਚ ਪੈ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ 'ਚ ਨਾ ਅੱਲਾ ਜ਼ਾਤ ਘੇਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਅੱਕ ਛੀਨ ਕੇ ਦਾ ਲਾ ਕੇ ਫਰਾਡ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਬੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਅੱਕ ਖਾਂਦੇ, ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਰਾਮ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਮ ਦੇ ਰਿਜ਼ਕ 'ਚੋਂ ਖੈਰ ਕਿੰਝ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਰਾਮ ਦੇ ਰਿਜ਼ਕ 'ਚੋਂ ਨਾ ਰਾਮ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਦੇ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਸ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹਰ ਵਕਤ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਮਝ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਅੱਛਾ 500 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਦਾ, 1000 ਦਾ ਦਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ। ਔਰ ਫਿਰ ਆਪੂ ਜੀ ਘੜੀ 'ਚ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਖੌਫ ਵਾਲੀ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਭੁੱਖੀ ਖਲਗਤ ਮਰਨ ਲੱਗੀ, ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਹੀਨਾ 2, 3, 4 ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਧਰੋਂ ਕੋਈ ਦਵਾਨੀ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਸਾਡਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਆ ਅਸੀਂ, ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ। ਬਜਾਏ ਦੇ ਕੇ ਉਸ 1200 ਵਿੱਚ ਕੋਲੋਂ 100-200 ਪਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੱਟਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਖਬਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੇ ਦੀ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕਿ ਕੈਸਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ, ਕੈਸੇ ਜ਼ਾਲਮ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕਿਹੜਿਆਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖਾਣ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਕਦੇ ਬੰਦਾ ਸਕੂਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ, ਕਦੇ ਉਹ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਦਿਓ ਇਸ ਭੁੱਖ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਹੀ ਸੀ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ।